पीले दरगाह की मस्जिद के सामने गरीबा जो बैठ रही उनको लाके खाने दे रही, तो लोग खाने की बेदबी कर रही, तो देखो जरा कैसी तरीके से बेदबी कर रही। इतना इतना खाना हराम में देखो खार के घर को भी लेके जा रही, पूरा यज फेंक के जा रही। What's your name? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। माई नेम इज शौकत भिखारी, मेरा नाम है शौकत भिखारी। आई लिव इन शाहजमाल, मैं शाहजमाल में रहता हूँ। माई वर्क इज कंटिन्यू टू दी बैकग्राउंड, मेरा काम है भीख मांगना। आई पास दी मैट्रिक क्लास व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ MPA। जब मैं 10वीं जमात पास कर चुका था तो मैं जिला मुजफ्फरगढ़ के MPA के पास गया एंड आस्क्ड पुलिस सर यू गेव मी सम जॉब, मुझे कुछ नौकरी चाहिए। ही इज आस्क्ड आई डू नॉट गेव यू जॉब, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। आफ्टर दिस पीरियड आई मेक दी प्रिंस ऑफ रोड ऑफ मुल्तान, इस अरसे के दौरान शौकत भिखारी मुल्तान की सड़कों का शहजादा बन गया। डेली 1000 इन मुल्तान, मैं रोज का 1000 मुल्तान में कमा रहा हूँ। आफ्टर 30 डेज 30,000, मैं 30 दिन का 30,000 कमा रहा हूँ। आफ्टर 1 ईयर 3,65,000, मैं 1 साल के बाद 3,65,000 रुपया कमा रहा हूँ। आई डू नॉट वेस्ट पेट्रोल डीजल CNG एंड आई शौकत भिखारी दाना तेल सर दिए ना डीजल सर दिए ना CNG सर दिए एंड आल्सो माई फूड इज फ्री ऑन एनी होटल ऑफ मुल्तान, और मेरा मुल्तान के किसी होटल पर खाना पीना भी फ्री है। वन मैन इज आस्क्ड मी ओ शौकत भिखारी वाई हैव यूर डिमांड ओनली 1 रुपीज, के तुम्हारी डिमांड का 1 रुपया तुम क्यों मांगते हो। आई थिंक इन हिज पॉकेट नो चेंज टू 1 रुपीज, मुझे इल्म है कि आजकल के दौर में 1 रुपया किसी की जेब में खुला होता नहीं है। देन ही गेव मी 5 and 10 रुपीज, तब वो मुझे 5 या 10 रुपए देगा। वन मैन इज आस्क्ड मी ओ शौकत भिखारी प्लीज यू फॉर गिव मी फॉर दी सेक ऑफ गॉड, कि हमें अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। तो शौकत भिखारी उसके साथ कितना तरीका है वारदात कुछ यूं करता है, भाई क्या सर जी आई गेव यू 9 रुपीज प्लीज यू गेव मी 10 रुपीज, कि मैं आपको 9 रुपए दे दूं आप मुझे 10 रुपए दे दें। ऑल दी 1000 इज गोइंग इन HBL इन बुहरगेट ब्रांच मुल्तान, मई ब्रांच कोड नंबर 0419। शौकत भिखारी का रोज का 1000 हबीब बैंक लिमिटेड बुहरगेट ब्रांच 0419 में जमा हो रहा है। एट दिस टाइम मई टोटल बैलेंस इज इन HBL 1,810,347 रुपीज। शौकत भिखारी ने भीख मांग कर अपना कुल बैलेंस बना लिया है 18,10,347 रुपए। आई थिंक यू डू नॉट बिलीव विद मी, मुझे इल्म है कि आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। आई गेव यू सम प्रूफ, मैं आपको इसका सबूत देने जा रहा हूँ। प्लीज काइंडली डोंट टॉक। दिस इज HBL हबीब बैंक लिमिटेड बुहरगढ़ ब्रांच मुल्तान 1,810,347 18,10,347 रुपए। ठीक है शुक्रिया। एंड आल्सो आई गेव टू स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी NTG खाजून ऑन द डाटा लिपोल बाय 84,000 पर ईयर। इसके अलावा शौकत भिखारी भीख मांग कर 84,000 रुपए साल का स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अदा कर रहा है। आफ्टर 20 ईयर्स ही गेव मी 1 करोड़, 20 साल के बाद वह मुझे तकरीबन 1 करोड़ देंगे। आई पास दी 6 ईयर्स 6 साल गुजार चुका हूँ, रिमेनिंग ओनली 16 ईयर्स दी एंड ऑफ 2035 में इसका एंड है। लगे ठोकर गिरे नीचे उठा लेती तो क्या होता, तेरा सीना मेरी छाती लगा लेती तो क्या होता। हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बकौल डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल, यूं तो मेरे खलूस की कीमत तो कम न थी, वो लोग कम शनास थे जो दौलत पे मर गए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा के। प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑन फेसबुक।
इट्स अ लाइट बैंक 0982 टाइम इज 5:35 ऑल ओवर हियर एंड माय बडी फेलो इज माय बॉस एंड इट्स मी थैंक यू इट्स मी ओके आप नौजवानों की एक बहुत बड़ी वकील हूं मैं आपको कोई इल्ज़ाम नहीं देती जो आपको दिया जाता है वो आप ले लेते हैं और हम आपसे तवक्को ये करते हैं कि जो आपको नहीं दिया गया वो आपके पास होना चाहिए गलती हमारी है आप मेरा मुस्तकबिल हैं मैं आपका माजी हूँ माजी को रद्द मत कीजिए परखिए जांचिए अगर कुछ अच्छा है तो आगे लेके बढ़ जाइए और फिर माजी को दोहराइएगा नहीं हम आज तक पिछले 75-76 बरस में माजी को दोहराने की फिक्र में हैं वक्त गुजरता ज़रूर है मगर पलट के नहीं आता हमें वक्त का मुसाफिर होना है पलटना नहीं है गुस्ताखी और बदतहजीबी की तरफ और एक बहुत लुत्फ की सूरत हाल इस वक्त मौजूद है कि बज़ों में खुद जो खुद को बड़ा परहेजगार और नेक कहते हैं उनकी गुफ्तगू सुनिए तो ख्याल बेआबरू होता है और वो जो खुद को हमारा सरबराह कहते हैं उनकी गुफ्तगू सुनिए तो ज़बान बेआबरू होती है जो ख्याल और ज़बान की आबरू नहीं रख पाए वो एक कौमी रियासत की आबरू कैसे रख पाएंगे वक्त और ज़माने का फासला फासला नहीं होता फासला उस वक्त है जब हम एक दूसरे के करीब आके दर्दमंद होना शुरू नहीं करते और दर्दमंदी किस बात का नाम है कि हम ज़िंदगी की और ज़िंदा रहने वालों की कदर कर सकें एहतराम कर सकें हमारे यहाँ एहतराम का मतलब ये हुआ है कि गोया हम खुद नीचे हो रहे हैं आजिज़ी से बड़ी कोई खूबी नहीं और आजिज़ी से बड़ी कोई दौलत नहीं मैं आपसे लम्स के तालिब इल्मों से और जो तजुर्बा मेरा यहाँ रहा है इस बात की तवक्को बहुत यकीनी तौर पर कर सकती हूँ कि ये जो दर्दमंदी की मता है आप इसको तहजीब से बावजू रखेंगे बहुत ज़रूरी है हम ये समझते हैं आम तौर पर कि सिर्फ जिस्मों की इस्मत होती है नियत फिक्र और अमल की इस्मत उससे कहीं ज़्यादा कवीतर और अहम तर है इसलिए कि जब ज़िंदगी बसर करते हैं तो ज़िंदगी की इस्मत का नाम अखलाक है और मेरा जी नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बेइस्मत बेअखलाक ज़िंदगी गुजारे जिस माशरे में तालीम अखलाकी कदरों को पसे पुश्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती हो मैं सिर्फ लम्स की बात नहीं कर रही दरअसल जो सरकारी इदारे हैं उनका मरसिया पढ़ने को जी चाहता है और अगर इससे भी ज़्यादा कह सकूं तो मातम करने को जी चाहता है कि एक खप्तुल हवास किस्म की नस्ल हमारे सामने ला के खड़ी कर रहे हैं जिससे पैसे तो बेहद वसूल करते हैं माँ बाप की जिंदगियां उन पैसों की खातिर निचोड़ी जाती हैं और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है तालीम का काम यह है दरसगाह की खूबी यह है कि वो खुली आँखों से ख्वाब देखना सिखाए जो खुली आँखों से ख्वाब नहीं देखते मेरे ख्याल में उनको ताबीर भी कभी नहीं मिलेगी कभी माशरे की खूबी ये थी कि वहाँ कानून की अलमदारी हो और अखलाक का कानून बने
अखलाक की रियायतें हों, लेकिन जोरावरी के माहौल में कानून सिर्फ जंगल का रह जाता है। मेरे और आपके लिए कोई जंगली का कानून बकौल जहरा निगाह के सामने ले आए तो बड़ी बात है। और जब कभी भी कोई भी अपने आप को हर्फ आखिर समझने लगता है तो तालीम, इल्म, तहजीब और अखलाक वहीं मर जाते हैं। हम में से कोई हर्फ आखिर नहीं है, हम में से हर कोई एक हर्फ है जो दूसरे से मिल के लफ्ज़ बन सकता है। आप लोग तब्दील करना चाहते हैं ना, आजकल बहुत तब्दीली का जिक्र है, और अगर हम इस इंतज़ार में रहे कि ज़माना बदलेगा, सब बदलेंगे, तो हम भी बदल जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि बजाय गम और गुस्से के निढाल होने के, मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूँगी, एक शेर आपको सुना के आपके सब्र की और आपकी तवज्जो की और आपकी इनायत का शुक्रिया अदा करके चली जाऊँगी। इकबाल अजीम आबादी साहब का शेर है कि बदलना है अगर तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, फ़कत साकी बदल जाने से मैं खाना न बदलेगा। परवरदिगार आप सबको कामयाब और सुरखरू करे। परवरदिगार आपको वो दौलत दे जो इस मुल्क और इस माशरे में बहुत थी और हमने लुटा दी, आप उसे वापस ले आइए। मैं वालदेन को कि बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपको इस तरह से पाला और आपके उस्तादों ने आपको इस तरह से तराशा। मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ उसमें मेरे वालदेन और मेरे असातिज़ा के अलावा वो माशरा शामिल है जिसने हमेशा, जब कभी मैं लड़खड़ाने को हुई तो मेरा हाथ पकड़ा। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया।